हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स एंड मोर देन टू इंटीजर। एंड इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ any two integer is also an integer. It means if you have two integers, their product will also an integer. And you know that integers are the positive number, negative number and zero. It means when you multiply any two integer, either you get answer negative, positive or zero. Okay, so let me do an example. Example, -3 multiply by 2. Okay, so -3 multiply by 2, how we can multiply two integer? We have discussed in our previous video that we will multiply the absolute value of the integers. So we will multiply 3 and 2, 3 2s are 6, and count the sign of negatives. Okay, and we have only one negative integer here. So negative integer is in odd number, 1 means that is in odd. So what will be the sign with the product? That should be negative. तो ये हमने कल किया था कि अगर हम किसी भी टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, उनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उनमें से हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर इवन में आए तो हम पॉजिटिव का साइन लेते हैं प्रोडक्ट के साथ, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर जो हैं वो ऑड में आते हैं तो हम माइनस का साइन लेंगे प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमने काउंट किया, हमारे पास टू इंटीजर्स थे और जो नेगेटिव इंटीजर है वो है 1, और 1 क्या है, 1 इज ऑड नंबर, सो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिया। ओके, सो व्हाट इज -6? -6 इज अगेन इंटीजर। तो -3 और 2 इंटीजर्स थे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर -6 मिला है। -6 भी क्या है, इंटीजर ही है। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। और अगर आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मैंने -5 लिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर रही हूँ, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज अगेन इंटीजर। ओके, एंड नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर। ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की थी, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस उसमें हम होल नंबर बोलते हैं और यहाँ पर हम इंटीजर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर। इफ़ वी हैव टू इंटीजर एंड वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर टू फाइंड द प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। ओके, हम अगर उनके ऑर्डर को चेंज भी करेंगे तो उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो एक एग्जांपल ली मैंने यहाँ पर, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, तो यहाँ पर 2 3 6, नाउ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो साइन कौन सा आएगा, यहाँ प्लस का। ओके, अब मैं यहाँ पर इनको ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, -3 को मैंने पहले लिखा है फिर -2 को लिखा, ठीक है। नाउ अगेन 3 2s are 6, देर आर टू नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 2 इवन है इसलिए पॉजिटिव में आएगा। इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज सेम। ओके, सो प्रोडक्ट रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। हियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3, प्रोडक्ट रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर। इट मीन्स नाउ वी हैव मोर देन टू इंटीजर्स। तो अगर हमारे पास टू इंटीजर से मोर इंटीजर हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनकी ग्रुपिंग को भी अगर चेंज करते हैं तो उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स सेम। सो हेयर आई एम टेकिंग 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले टू इंटीजर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा उसी के साथ नेक्स्ट को करेंगे। तो मैंने ग्रुपिंग की है, पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय -2 लिया फिर उसको -5 से कर दिया। ओके, तो 3 2s
थ्री टू ज़ा सिक्स और साइन कौन सा रहेगा माइनस का और मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। हेयर सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, टू नेगेटिव साइन है यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग द ग्रुपिंग, अब इनकी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। पहले मैंने थ्री और माइनस टू को एक साथ लिया था, अब मैं थ्री को सेपरेट ले रही हूँ और माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव इनके ग्रुप्स को ले रही हूँ। ओके, तो हेयर थ्री एज इट इज़, माइनस टू को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करिए। नाउ टू फाइव ज़ा टेन और यहाँ पर टू नेगेटिव है इसलिए प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव का साइन होगा एंड थ्री टेन ज़ा। तो आप देख सकते हैं कि हेयर प्रोडक्ट इज सेम, हमने ग्रुपिंग को चेंज भी किया तब भी क्या है प्रोडक्ट रिमेन सेम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो आपको पता ही है कि हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। तो इसी तरह अगर हम किसी इंटीजर को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो एग्जांपल में अगर आपके पास कोई इंटीजर है माइनस फाइव, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो से, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी इंटीजर हो ज़ीरो से अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ज़ीरो ही मिलने वाला है। अगर आप ज़ीरो के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 352 तब भी क्या होगा, आप 352 को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा और ज़ीरो के साथ हम कोई साइन नहीं लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइव इज़, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय वन द प्रोडक्ट इज़ इंटीजर इटसेल्फ। इट मीन्स आप किसी भी इंटीजर को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो फिर से वही इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ पर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन कर रही हूँ, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, तो आप सॉल्व भी करके देखिए, थ्री वन ज़ा तो थ्री ही होगा और नेगेटिव का साइन, नाउ प्रोडक्ट इज़ माइनस थ्री। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फिफ्टीन। ओके, तो अगर आप वन को माइनस फिफ्टीन से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, आंसर इंटीजर इटसेल्फ। तो 115 सा क्या 15 होता है और साइन 1 है नेगेटिव का, इसलिए प्रोडक्ट के साथ भी नेगेटिव है। तो अब आपके पास अगर कोई भी बड़े से बड़ा इंटीजर आ जाए तो आपने मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब ये प्रॉपर्टी है कि वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1 द प्रोडक्ट इज़ इंटीजर इटसेल्फ। तो अगर हमारा आंसर फिर से वही इंटीजर आता है, हम इंटीजर को 1 से करें या 1 के साथ किसी इंटीजर को करें, सेम वही इंटीजर हमारा आंसर आता है, इट मीन्स दैट नंबर इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो वी कैन से दैट वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले भी आपने आइडेंटिटी एलिमेंट वर्ड यूज़ किया है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था एडिशन का, कौन सा ऐसा नंबर था जिसको हम नंबर में प्लस करते हैं या फिर नंबर को उसमें प्लस करते हैं तो हमें फिर से वही आंसर मिल जाता है, दैट इज़ ज़ीरो। जैसे माइनस थ्री प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस थ्री एंड ज़ीरो प्लस माइनस थ्री अगेन इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो दैट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। बट यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर से वही इंटीजर आ जाता है और रिवर्स ऑर्डर में भी वो सेम ही आंसर आएगा, तब वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है, दैट इज़ वन। सो वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिक्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपने सेकेंड चैप्टर में की है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर टू नंबर्स होते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन वी कैन यूज़ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या थी, इफ़ ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, आपको याद आ गया होगा, हमने सेकेंड चैप्टर में इसको किया है। यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ एडिशन, तो जो मल्टीप्लीकेंड होगा वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये जो नंबर है एडिशन की फॉर्म में है, तो जो एडिशन की टर्म्स हैं उसके साथ ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड ए ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय सी, और इनके बीच में साइन कौन सा रहेगा, जो यहाँ पर साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस का रहेगा और अगर माइनस है तो माइनस का। तो अगर ये प्लस का साइन होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 5। अब क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का है, अब उसकी टू टर्म्स हैं मल्टीप्लीकेंट एंड मल्टीप्लायर, उसमें जो एक टर्म है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, एडिशन की फॉर्म में आ रही है, सो वी कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल जैसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ ही सॉल्व करूँगी। सो अब टू क्या है हमारा, टू को हम क्या करेंगे, अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में नंबर है दैट इज़ माइनस 3 एंड 5, तो माइनस 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ साइन प्लस है, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के साथ हमने 2 जो बाहर वाली टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ माइनस 6, पहले इसको सॉल्व कर लिया, अब आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और अगर हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलें या डी मास के रूल के अकॉर्डिंगली चलें तो हमें क्या करना है, अब ये नहीं है कि आप प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 6 प्लस 5 करें, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जैसे वो क्या करेंगे, माइनस 6 आगे क्या कर देंगे, यहाँ सेम प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं फिर क्या करते हैं, फिर इनको सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं, फिर इनको सॉल्व करके जो आंसर आता है उसके साथ नेक्स्ट को करते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है और डिमास के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी विल सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 5 2 10। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर सॉल्व करिए, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, और ग्रेटर टर्म 10 है और 10 पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ भी पॉजिटिव का साइन रहेगा, दिस इज़ आर आंसर, और ये आंसर हमने कैसे किया है, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते हो तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड ऑन द लार्ज नंबर, जब हमारे पास बड़े नंबर होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं इसको, इससे जो हमारी हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में भी हम यूज़ करते हैं, सोच करिए आपके पास जहाँ नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने खुद ये सोचना है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है या नहीं, तो हमने देखा है कि एक ही नंबर 2 नंबर्स को के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर, ठीक है, और बीच में साइन प्लस का है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है आपने पहले भी किए हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिए, और कौन से नंबर हैं जो हमारे पास यहाँ जो कॉमन होगा दैट कैन नॉट बी रिटर्न विद दिस अगेन। ओके, अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो जो नंबर थे वो कौन से थे, 5 प्लस 7। ठीक है, आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 7 प्लस 5 12 एंड 12 2 20। ठीक है, इसी तरह अगर आप डायरेक्ट भी करते 5 2 10 7 2 14 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24। स्मॉल नंबर्स पर तो हम कैसे भी करें, बट लार्ज नंबर पर अगर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमारी जो
कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हमारी प्रॉपर्टी इतनी ही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम वर्कशीट 6 सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने कल फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करती हूँ। लेट मी सॉल्व द वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ वर्कशीट 6, दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हेयर 1234 मल्टीप्लाई बाई 567 माइनस 234 मल्टीप्लाई बाई 567। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको कहीं नहीं बोला है कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करिए, आपको तो डायरेक्ट बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके जो आंसर्स होंगे उनको माइनस कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करेंगे, बट अगर आपने प्रॉपर्टी सीखी है तो उनको भी अप्लाई करना सीखो। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, बट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो है, यहाँ लार्ज नंबर भी हैं और जो नंबर है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, वन नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू। अब सेम नंबर है वो अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? जैसे सेम नंबर क्या है, आपके पास ये पेयर है और ये पेयर, ठीक है? अब यहाँ पर सेम नंबर कौन सा है, इट इज़ 234 एंड इट इज़ 1234, ये तो सेम नहीं है। 567 567, ये दोनों सेम। तो यहाँ हमें अगर पेयरिंग में एक नंबर सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं इनमें से जो नंबर सेम है उसको कॉमन ले लूँगी, ठीक है? तो 567 को मैंने कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से अगर मुझे 567 कॉमन लिया है तो दैट कैन नॉट बी रिटर्न अगेन। अब यहाँ से इसका जो सेकंड नंबर था उसको लिखेंगे 1234 माइनस नेक्स्ट पेयर में से भी 567 तो कॉमन है और नेक्स्ट जो रिमेनिंग नंबर होगा दैट इज़ 234। अब आप इनको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 1234 माइनस 234 इज इक्वल टू 1000, या 567 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 567 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 567 और उसके साथ आपको सिंपली ओरल मल्टीप्लिकेशन 30 सेट करनी है, इट विल बी 567000। देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशंस और हमने बिल्कुल कहीं पर भी इसको सॉल्व नहीं किया और सिंपल वे से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो मे बी देयर सम मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, ओके? तो जहां आपको लगे कि प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, यू कैन अप्लाई प्रॉपर्टी। अब कहीं मेंशन नहीं किया है तो आप एनी वे आप किसी भी वे से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट बेस्ट वे इज़ अप्लाई द प्रॉपर्टी, ओके? नेक्स्ट इज बी पार्ट इज 739 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस माइनस 739। अब यहाँ पर देखिए नंबर फिर से वही आ गया, प्रॉपर्टी के ऑर्डर में है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऑर्डर में, बट यहाँ पर नंबर 739 है और ये नंबर माइनस 739 है, तो दीज आर नॉट सेम, सेम तो नहीं है। अब यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव का साइन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव को बाहर वाले नेगेटिव के साथ मिला देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 739 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस माइनस प्लस, इट बिकम 739, ठीक है? अब हमने पहले भी इसको किया है कि 739 तो 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसकी तो पेयरिंग हो गई, बट यहाँ 739 भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दैट शुड बी 1। आप इसको पहले लिख लीजिए कि ये नंबर भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम 1 लिखते भी हैं तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट रिमेन 739, ठीक है? नाउ टेक 739 एज कॉमन, यहाँ से 739 चला गया तो कौन बचा, 99 प्लस यहाँ से 1, ओके? नाउ 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, और 739 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 73,900 इज योर आंसर।
नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंपल बेसियन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अब यहाँ क्या है, यहाँ माइनस 70 बाहर है और बाकी के कुछ इंटीजर जो है वो ब्रैकेट में है। इट मीन्स यहाँ एक स्टेप इन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया है, ये जो स्टेप है वही हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइनस 70 इज़ कॉमन और बाकी ये नंबर्स क्या हैं, हमारे ब्रैकेट के अंदर के नंबर हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, माइनस 70 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, ये 10 पॉजिटिव हैं, बाकी के सभी नेगेटिव। ठीक है, तो आप पहले नेगेटिव को सॉल्व कर लो, 10 को मैं पॉजिटिव को एज इट इज़ रहने देती हूँ, ये सभी ग्रुप्स एक साथ ही हैं। तो 83 20 माइनस 5 माइनस 22 एंड माइनस 83, आप इनको सॉल्व करिए तो आपको जो आंसर होगा दैट इज़ माइनस 110। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया है, माइनस 110 देख लीजिए, 83 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, प्लस 1 11। ओके, अब माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर माइनस 10 माइनस 110 है, तो माइनस 70 मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो फिर से माइनस करना है, इट इज़ माइनस 100। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर से पहले नेगेटिव साइन है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 70 मल्टीप्लाई बाय 700 दैट इज 7000। अब यहाँ हमारे पास 2 नेगेटिव्स हैं, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बहुत प्रैक्टिस के बाद हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास ये कलेक्टिवली आ रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो सभी के रूल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। राइट द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 गिव्स दीज नंबर्स। ये पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, मैंने 4 पार्ट्स ही लिए हैं और भी हैं, तो 4 पार्ट मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आप ऐसा इंटीजर बताइए जिसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये इंटीजर बोला। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट किया है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1 डॉट माइनस 1। ठीक है, तो हम 1 से जब किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से वही नंबर। तो माइनस 1 से करेंगे तो क्या फिर से वही नंबर आएगा, नो, क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमें वही नंबर आंसर मिलता है, बट माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, उसका अपोजिट आंसर मिलेगा, नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ माइनस 3 कब बना, जब 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इंटीजर दैट इज़ 3, और 19 का माइनस 19, और 0 से 0 का तो 0 ही होगा, और 74 का माइनस 74, उसका अपोजिट लिखना है। 1 होता तो सेम आता, माइनस 3 का माइनस 3, 19 19, 0 0 74 74, बट इफ देयर इज माइनस 1 तो हम उसका ऑपोजिट लिख रहे हैं, माइनस 3 का 3, 19 का माइनस 19, 0 का तो 0 ही रहेगा और 74 का माइनस 74। ओके, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नाउ कंपेयर द वॉल्यूम, अब आपको कंपेयर करना है इसको, तो ये एक एक्सप्रेशन दी है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, बीच में ये जो साइन दी है स्क्वायर का, दैट इज़ फॉर कंपैरिजन, जैसा हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट में किया था। तो मैं फर्स्ट पार्ट को यही सॉल्व करूँगी और सेकंड पार्ट को इधर सॉल्व करूँगी, तो एक लेफ्ट हैंड में और दूसरा राइट हैंड साइड में। तो 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप जिस ऑर्डर में है इसको इसी में सॉल्व कर लो, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10, नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 130। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 में ये नहीं है कि हम 7 प्लस 6 पहले करेंगे, नो, 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हमें पहले कौन से साइन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन को, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डीमास। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो हम 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 प्लस 6 टेन्स आर 60, नाउ 60 प्लस 7 इज 67। तो कंपेयर दिस, आई मीन
को कंपेयर करिए, 130 इज ग्रेटर और 67 ऑफ कोर्स 130 इज ग्रेटर, सो वी कैन से दैट 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज ग्रेटर देन 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए एक ब्रैकेट से ही कितना क्वेश्चंस चेंज हो गया, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का भी बहुत रोल होता है, अपनी मर्जी से हम इसे कहीं अरेंज नहीं कर देते हैं और अपनी मर्जी से ही हटा नहीं देते हैं, ठीक है। दिस इज ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बी पार्ट भी है और आपको वो खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इन बुक, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में या फिर जो भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हैं इसमें देने हैं। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें प्रोडक्ट का साइन बताना है। इफ वी हैव 7 नेगेटिव्स एंड 3 पॉजिटिव, 7 नेगेटिव मीन्स हमारे पास 7 नेगेटिव इंटीजर हैं और 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, माइनस में होगा या प्लस में आएगा। तो पॉजिटिव को तो हमने निगलेक्ट करना है, पॉजिटिव को तो हमने देखना भी नहीं है। जब हम प्रोडक्ट के साथ साइन अरेंज करते हैं वो हम किसको देख के करते हैं, बस नेगेटिव इंटीजर्स को देख के करते हैं। तो हाउ मैनी नेगेटिव इंटीजर्स आर हियर, 7, और 7 क्या है, 7 इज ऑड नंबर, ठीक है। इसलिए इसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस। आप यहाँ माइनस लिखिए या फिर क्या लिखिए, नेगेटिव, ओके। नाउ 26 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, इसको छोड़ो पॉजिटिव को हमने नहीं लेना है, 26 नेगेटिव। नाउ 26 इज इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इट इज इवन नंबर, सो आवर आंसर विल बी इन विद प्लस साइन, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, 11 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस में। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स, और ये जो डैश नहीं है इट इज़ सोन, क्या बोलते हैं, सोन अप टू, यहाँ माइनस सिक्स के बाद माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, माइनस 13 तक जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, सोन। वैसे तो यहाँ डॉट्स होते हैं इस तरह से, सोन अप टू माइनस 13। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि जो नंबर माइनस फोर से लेकर माइनस 13 तक हाउ मैनी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब यहाँ 4 नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये 4 नहीं है। अब ये जो लाइन है इसके अंदर कौन से नंबर है, माइनस 7 भी है, माइनस 8 भी है, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, आफ्टर दैट माइनस 13, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर देखना है तो आप सिंपली काउंट भी कर सकते हैं फिंगर्स पर, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 इस तरह से लिख के। बट इज़ द वे क्या है, अगर हमें देखना है कि माइनस फोर से लेकर माइनस 13 तक कितने नंबर हैं, तो हम लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, और जो आंसर होगा उसमें हम प्लस 1 करते हैं, एंड 9 प्लस 1 इज 10, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अब यहाँ तो आप काउंट भी कर सकते हो, बट मैं अगर यहाँ माइनस 1 लिखूँ और यहाँ माइनस 9 लिखूँ और यहाँ लिख दूँ माइनस 145, तो क्या आप काउंट करते रहेंगे वहाँ तक, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट है और जो फर्स्ट है उनको सेपरेट कर देना है। तो 13 और 4 को माइनस किया, यू गेट 9। और 9 इंटीजर्स नहीं है, उनमें प्लस 1 भी करना है। और ये प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने माइनस 13 से जो माइनस किया वो माइनस 4 को भी कर दिया है, फर्स्ट इंटीजर को भी कर दिया है, बट ये तो हमारे पास है ना। पहले तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज़ 9, और फिर उसको दोबारा ऐड कर लिया, ठीक है। एंड 9 प्लस 1 इज 10, एंड व्हाट इज 10, n कैसा है, नेगेटिव है या इवन है या ऑड है, तो इट इज़ इवन नंबर, सो आंसर विल बी प्लस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है, माइनस 12 माइनस 13 माइनस 14 माइनस 15, और फिर से ये क्या है, सोन अप टू माइनस 22। तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, माइनस नहीं लेना है, आपको सिर्फ नंबर देखने हैं कि 22 में से 12 को माइनस करना है,
32 माइनस 12 दैट इज़ 10, और 10 में एक ऐड कर दीजिए दैट इज़ 11, और 11 क्या है, 11 इज़ ऑड नंबर, और यहाँ पर कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू, टू इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ ऑपोजिट साइन इज पॉजिटिव, टू इंटीजर हैं और उनके साथ ऑपोजिट साइन है, मीन्स एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ ऑपोजिट साइन इज पॉजिटिव, नो इट विल बी नेगेटिव, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज जीरो, नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट जीरो, इट इज वन, वन होता है, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, ऑफ द टू इंटीजर इफ वन इज नेगेटिव द प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट मीन्स आपने मोडाल्स किए हैं आपने इंग्लिश में, तो मस्ट मीन्स आप ये होना ही होना है, पक्की बात है। ऐसा हो सकता है कि अगर एक नेगेटिव हो तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, अदर इंटीजर, अदर इंटीजर इज ऑल्सो नेगेटिव देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एंड इफ अदर इंटीजर इज पॉजिटिव देन प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास अगर टू इंटीजर हैं, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो हमें दूसरे को भी तो देखना है ना, वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो हमारे पास तो टू नेगेटिव हो जाएंगे और हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, और अगर जो अनदर इंटीजर है वो पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में जाएगा। तो इट इज़ नॉट मस्ट, मे और मे नॉट, ओके, अगेन इट इज़ फॉल्स। फॉल्स के लिए मैंने क्रॉस यूज़ किया है, और ट्रू फॉल्स भी लिख सकती हूँ, ओके। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आपने नोटबुक में ही सॉल्व करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है ये आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।